स्मार्ट सिटी धर्मशाला दिखने में जैसी प्राकृतिक सुंदर है वैसी ही दिखे, इसके लिए वेस्ट वॉरियर संस्था व मुंबई की विकेट ब्रॉन्ज आर्ट संस्था ने मिलकर अनोखी मुहिम चला रखी है। इन संस्थाओं ने पर्यटन नगरी के मैक्लोडगंज के ऊपरी क्षेत्र धर्मकोट और गलू नामक जगह के अलावा धर्मशाला बस स्टैंड के पास बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्मार्ट सिटी की सूरत बदलने के लिए धर्मशाला की वेस्ट वॉरियर संस्था ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। लंबे समय से स्वच्छता पर काम करने वाली संस्था अब अलग अलग स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर स्वच्छता का संदेश दे रही है। इसके लिए मुंबई सहित देश भर के नामी कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोग अपनी पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता के साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरस्टेट बस स्टैंड की राह में गांधी नेहरू पार्क के साथ बनाई गई बड़ी पेंटिंग पर्यटकों को गाइड भी करेगी। इसमें धर्मशाला के प्रमुख स्थलों को भी दर्शाया गया है। वेस्ट वॉरियर संस्था के ऑपरेशनल मैनेजर राहुल मक्कड़ ने बताया कि वे 3 घंटे काम करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें कूड़े को रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करने की कला धर्मशाला शहरवासियों को बताई जा रही है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि पूरी कम्युनिटी साथ आए। जिस तरीके से ये साफ रहती है, जैसे ये धौलाधार है जो इतने रिसोर्सेज हमें देता है, इतने सारे हमें स्रोत हैं, इसके पानी हैं और क्या वो फार्म्स भी हैं, कई चीज़ें हैं, तो उसको बचाने में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि वेस्टर्न साइंस कितने तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर हम वॉल म्यूरल्स के थ्रू अगर ये प्रदर्शित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि साथ आओ, साथ मिल के सफाई करो, अपना कूड़ा जो है डस्टबिन तक लेके जाओ, डस्टबिन तक डालो और अपने आसपास का 100 मीटर साफ रखो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। मुंबई की विकेट ब्रॉन्ज कला संस्था से जुड़े पृथ्वी राज मलिक ने बताया कि देश भर के नामी कलाकार उनके साथ जुड़कर इस अनोखी मुहिम में काम कर रहे हैं। सो वॉल पेंटिंग का मेन मकसद यही है कि वॉल पेंटिंग के थ्रू हम लोग एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिससे लोकल पीपल, टूरिस्ट एंड यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, होटल्स के ओनर्स हैं, वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट को और भी यू नो एज एन इम्पॉर्टेंस कंसिडर करें एंड यू नो गीला कचरा, सूखा कचरा जो है उसको ना मिलाएं एंड उसी के थ्रू हम लोग धर्मशाला को क्लीन रख सकते हैं एंड वही मैसेज हम लोग इस म्यूरल के थ्रू दे रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपचित निपी की रिपोर्ट।